राज्याभिषेक की पहली पेंटिंग है जहाँ गागाबट आने के बाद राज्याभिषेक कैसे होते गया वो हमने प्रदर्शित किया है, और वो पूरी सीरीज 30 पेंटिंग की है जिसमें राज्याभिषेक के काफ़ी राज्याभिषेक के विधि बताए गए हैं, और राज्याभिषेक का जो उत्सव है वो उत्सव में प्रोसेशन है, फिर दूसरे भी कुछ सब्जेक्ट है, ऐसे करके वो 30 पेंटिंग की हम सीरीज किए हैं। उसके बाद हम महाराज का जो विजन है तो विजन में पहला एक विजन बहुत अच्छा था जिसमें हमने उनका नेवी महाराज को नेवी समुंदर पे राज्य करना उनको चाहिए था, क्यों समुंदर से भी काफ़ी हमारे विरोधक आए थे जिसमें और यहाँ आके बहुत नुकसान कर रहे थे, उनको काबू में लाना उनका पहला फर्ज था। तो सर यहाँ पे क्या क्या दिखाया है? अभी ये है वो खांदेरी फोर्ट उन्होंने बांधा, वो बम्बई से सिर्फ कई माइल दूरी पे है, और वो पहली लड़ाई ब्रिटिशरों को हराई और वो जीते थे अपने छोटे बोटों के साथ, और उनके सामने ये फोर्ट बांधा लेकिन उनको पता नहीं चला था स्टार्टिंग में कि इतना बड़ा ये होगा। सर यहाँ पे क्या घटना दिखाई गई? ये उन्होंने जब पोर्चुगीज कंपनी ने उन्हें बोला कि हम नहीं काम कर सकते और वो चले गए, तो महाराज ने खुद अपने साथियों को लेके ये पहली नाव बांध ये जहाज बांधा जिसमें तोहफे भी माउंटेड हैं, इसके नाम है संगमेरी और संगमेश्वरी इसके। और ये जो पेंटिंग है जब वो बहुत छोटे थे उम्र के 27-28 उम्र के होंगे तभी उन्होंने ये दुर्गाड़ी फोर्ट जब काबिज किया तब उन्होंने दो शिप मुगलों की ले ली, दो परचेस की और वॉरशिप्स बांधने का ये चालू किया प्रयत्न, और वैसे उनका दूसरा ध्यान इसमें भी था कमर्शियल व्हीकल्स वेसल्स पे, तो उनका गल्फ कंट्री से व्यापार भी चलता था, तो ये महार का बंदर हमने चालू किया, और वैसे दूसरे दूसरे किले हम डेवलप करेंगे क्यों उन्होंने व्यापार में भी बहुत काफ़ी ये रखा था दिलचस्पी थी और ये उन्होंने डेवलप किया था। अच्छा। वैसे ही ये सब सूर्या ये बसनूर की लड़ाई है जहाँ 85 वॉरशिप्स असॉर्टेड क्लास की वॉरशिप्स उसमें शामिल थी, तीन बड़ी शिप थी और बाकी असॉर्टेड थे, यानी पहली नाव जब बांधी वहाँ से ये बसनूर की लड़ाई तक उनके पास 85 वॉरशिप्स थे वो डॉक्यूमेंटेड है। तो देश की जो पहली नेवी है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाई। हाँ जी, और उनकी बहुत पावरफुल बाद में कान्होजी आंग्रे साहब ने तो बहुत बड़ा ये किया, वो बाद में आ सकता है, लेकिन उन्होंने इतना काबू पाया था कि 150-200 साल ये नेवी बहुत पावरफुल थी। श्रीकांत जी जो आपने जिस तरीके की चीज़ें बनाई और इतिहास को रखा सामने, तो उसमें जो है क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखी, कहाँ से जो है ये इवेंट्स लेके आए और उनकी जो ऐतिहासिकता है उसको किस तरीके बरकरार रखा है, प्रामाणिकता को कैसे बरकरार रखा? जो भी बताया गया है उनके सर क्या बराबर हेस करता है? तो सर जो जो चीज़ें आपने बताई उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा? अभी हिस्ट्री और जो भी उन्होंने जो चीज़ें बताई गई है उसमें अस्त्र शस्त्र का जो भी है वो म्यूज़ियम में जाके रियल वस्तुओं का निरीक्षण किया, किले थे वहाँ जाके पूरा वहाँ बैठ के हम सोचते थे कि ये घटना इधर हमारे सामने घट रही है, ऐसा हमने दिमाग में लाके वो स्केचेस किया है। तो सर कितना टाइम लग गया इस सारी चीज़ों में? नहीं, ये तो टाइम इतना लगता है कि खुद का अगर पेंटिंग हो तो जल्दी बना सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से वो पूरी तैयारी करने के लिए 2 महीने का समय बीत जाता है और मेन पेंटिंग का 2-3 महीना और भी लगता है। तो ये काफ़ी कठिन काम था? बहुत कठिन काम था, और ये पूरा होने के बाद भी अगर कुछ उसमें रह जाए तो फिर से करना पड़ता था पूरा। तो जो शिवाजी महाराज थे
उनका जो जीवन था पूरा संघर्षमय जीवन था और एक बड़े रिजीम के अगेंस्ट खड़े थे, एक बड़ी सत्ता के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उसमें तमाम उनके पार्टनर्स होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बलिदान दिया, उनको भी डिपिक्ट किया आपने? ये पहले पूरा इतिहास सुना तो और सुनने के बराबर वहाँ जाके वो कितना कठिन समय था ये भी देखा, पूरी स्टोरी दिमाग में वो चालू ही थी हमेशा, वो कभी भूल नहीं गए। जब रायगढ़ किला जब देखते थे हम, तो पहले चढ़ते समय उस समय कितना कठिन होगा कार्य, और रायगढ़ और आगरा और रायगढ़ और जो पूना है या विजयपुर है वो इतना दूरी वो कैसे तय करते थे, ये कुछ बहुत कठिन। सर यहाँ पे क्या दिखाया आपने इस पेंटिंग में? ये रायगढ़ किले पे बाजार करके एक ये है, एक लोकेशन है, लोकेशन है, तो वहाँ उस टाइम कैसे चलती थी ये बताया है इसमें। सर यहाँ पे क्या दिखाया गया है अगर हम इसकी बात करें? ये जो है, ये जो बाजार की जो पेंटिंग है वो और एक दूसरे आर्टिस्ट ने की है, एक ही पेंटिंग, ये एक पेंटिंग जो है वो दूसरे आर्टिस्ट की है, वो आज इधर नहीं है। सर यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? ये जो है, ये पेंटिंग में हम बताना चाहते हैं कि आज ब्रिटिश कंपनी के लोग काफी दो तीन हफ्ते पहले रायगढ़ पे आए थे वो तह करने के लिए, एक एग्रीमेंट करने के लिए, यानी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि आज ये शिवाजी महाराज का राष्ट्र निर्माण हो रहा है और उनके साथ जो व्यापारी संबंधी कुछ फैसिलिटी है वो लेनी चाहिए। उसमें एक क्लॉज था, बाकी सब क्लॉज पे कुछ न कुछ सेटलमेंट हो गया, लेकिन उसमें एक क्लॉज था कि हम आपकी कॉइन्स मिंट करके देंगे और उसके बदले में हमारी करेंसी आपके राज्य में चलने की अनुमति दे। वो उन्होंने इन टोटो रिजेक्ट किया, यानी उनका फाइनेंस पे भी कितना नॉलेज होना चाहिए कि उनको मालूम था उनकी करेंसी आएगी तो अपनी इकोनॉमी वो कभी भी डैमेज कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया और वो टोटली कैंसिल किया, और ये डॉक्यूमेंट आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो यहाँ पर तमाम उन घटनाओं को भी दिखाया गया है, और ख़ासतौर पर जब शिवाजी महाराज की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है साहसी थे, दूरदर्शी थे, साथ ही साथ उनके अंदर वो सारी खूबियाँ थीं जो एक बादशाह के अंदर होनी चाहिए, एक राजा के अंदर होनी चाहिए जिसने देश को एक नया आयाम दिया। यहाँ पर और भी चीजें हैं जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बैटल को दिखाया गया है। ये किस बैटल को यहाँ पर? ये जो बैटल है ये प्रतापराव गुजर, उन्होंने एक सिंपल सी ये कि बलोल खान ने उन्हें छोड़ दिया, इसके लिए महाराज बोले कि आपने जो काम किया है वो गलत किया, अभी आप उनको पकड़ के या हरा के या मार के मेरे पास आओ, तब तक आप मुझे आपका मुंह नहीं बताना। तो वो उनको इतना ये हुआ, और उसका रीज़न भी बोले थे कि ये बलोल खान वापस स्वराज्य पे आएगा और ये इसके लिए ये आपकी गलती है, और वैसे ही हो गया। थोड़े दिनों के बाद वो फौज डबल करके फिर दोबारा फ्रेश होके हल्ले किए उसने, और जब उन्होंने सुना कि ये महाराज सही है तो उनके दिमाग में बहुत गुस्से हो गए, और महाराज ने जो बोला वो सही था करके वो अकेले भागने लगे और उनके साथी उनके साथ गए, और इतनी बड़ी फौज के सामने 6 आदमी क्या कर सकेंगे, 7 आदमी, तो ये आत्मसमर्पण जैसा ही है। अच्छा, वो लोग जो है एक तरीके से शहीद हो गए। शहीद हो गए क्यों, इतना उनका। तो सर ये अगली पेंटिंग में क्या दिखाया? ये पेंटिंग में है कि उनकी बेटी जब मैरिजेबल एज की हो गई, उस जमाने में मैरिजेबल एज बहुत यंग इसमें होते थे, तभी अपने बेटे राजाराम महाराज से उन्होंने उसका ब्याह करके उनको डॉटर इन लॉ करके एक्सेप्ट किया। ये कितना बड़ा सोशल रिलेशन है, थिंकिंग है, वो हम इसमें से बताना प्रेरित करते हैं। शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ तो तमाम तरीके की चीज़ें हुई, तमाम घटनाएं हुई, सर क्या क्या चीज़ें हुई थी उस समय? देखो ये जो कोरोनेशन सीरीज में है ये प्रोसेशन हमने बताई है, अभी प्रोसेशन में हम आर्टिस्ट साथ में वो प्लेस पे बैठे
और वहाँ ये सब स्केच किए जिसमें ये हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेशन ये होई सा माल करके फेमस है। यहाँ ये काफ़ी बड़ा मैदान है और हम ये बाजार जब जहाँ चालू होता है वो एज पे बैठे, इसलिए बाजार का ये दरवाजा है। हम वहाँ बैठ के ये स्केच किया है और इमेजिन किया है कि ये कैसे प्रोसेशन हुई होगी। उसके बाद ये एरियल व्यू भी है। आप तो अच्छा, ये एरियल व्यू है, ये रायगढ़ का, रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद जो प्रोसेशन मिरवणूक हुई वो वहाँ ऊपर से देव देवताओं को कैसे दिखाई दी होगी, क्योंकि वहाँ तभी हेलीकॉप्टर और प्लेन तो थे नहीं। लेकिन कंप्लीट ये, और उद्धव साहब ठाकरे ने हमें ये फोटो दिया था, इसके लिए हमको पूरी एरिया परफेक्ट पेंटिंग में लाने का मौका मिला। अच्छा, ये मतलब एक तस्वीर से आप लोगों ने सोचा इस तरीके से? अभी इसमें ये नहीं है पूरा, नहीं नहीं पूरा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये फोर्ट है, बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, अभी खाली प्लिंथ है, वैसे इधर भी खाली दरवाजा है, बाकी सब प्लिंथ है। अच्छा, ये चीजें बदल चुकी हैं अब टोटली, आज कुछ टाइम का माहौल दिखाने की कोशिश। अच्छा, उस दिन क्या रहा होगा, क्या कैसे हुआ होगा, ये आर्टिस्ट ने कंप्लीट विजुअलाइज करके ये किया है, सब ये प्रोसेशन की पेंटिंग विजुअलाइज की है और बहुत डिफिकल्ट है ये विजुअलाइज। सर, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं शिवाजी महाराज? नहीं, ये ऐसे ही एक बताया कि शिवाजी महाराज, देखो ये घोड़े का जो खींच के ये किया है, ये बहुत डिफिकल्ट पोज है और इतना इजीली घोड़ा खींच के स्ट्रेट करना ये काफ़ी दिक्कत है, इसलिए कुछ ऐसे पेंटिंग भी हम स्टार्टिंग में किए हैं जो हिसाब से हमको सब्जेक्ट करते समय उसका उपयोग हो। अच्छा, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आप? ये अभी मंदिर तक आए हैं और अभी गुरुजी वहाँ तक आके मंदिर के जो ये रहते हैं वो अभी उनको रिसीव करेंगे और वो मंदिर में पूजा के लिए जाएंगे। अच्छा, पुजारी। अच्छा, पुजारी के साथ। हाँ जी। अच्छा, ये जो पेंटिंग है ये जब वो दर्शन लेके वापस आते हैं तभी एक रीति रिवाज के हिसाब से उनकी आरती ये की जाती है, इसके लिए वो जब घर के सामने से जाएंगे तभी उनकी आरती करने के लिए घर की जो स्त्री है वो तैयार हो रही है। अच्छा, ये जब प्रोसेशन वापस आ रहा है राज्याभिषेक के बाद, और यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं अभी? ये जब वो छत्रपति होंगे उसके बाद किसी के सामने वो झुकेंगे नहीं, और वो ये लिखा हुआ है कि उनके माँ जो जिजाऊ महाराज है उनके पाँव पे चरणों पे उन्होंने सर रख के उनको नमस्कार किया, तो ये जो लिखा है उस पे से हम ये किए। उसके बाद छत्रपति कभी किसके सामने झुकेंगे नहीं, कभी नहीं झुके नहीं, और ये खाली हमारी माइंड में कल्पना है कि जब झुक रहे हैं तभी सरस्वती, लक्ष्मी, भवानी देवी और गणपति ये सबको एक ही टाइम वो झुक के नमस्कार कर रहे हैं, सबको नमस्कार कर रहे हैं। ये किस घटना को बता रहे हैं? राज्याभिषेक के बाद वो अपने जिजाऊ महाराज को उनके वो नीचे रहते थे और बारिश का मौसम था, मौसम बहुत खराब होने से उनको वो नीचे ले आए तो पाँव में कुछ पहना नहीं हुआ था और उनकी जो मोजड़ियाँ है वो उनके सेवक ने हाथ में लेके वो नीचे तक आए। तो अपनी माता जी का बहुत सम्मान करते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि माता जी के संरक्षण में ही उन्होंने ये सारी चीजें सीखी थी। और इसके अलावा ये जो पेंटिंग जो दिखाई जा रही है वो हमने ऐसे ये किया है कि उनका माता जी को भी इतना आनंद हो गया जिजाऊ महाराज को कि उन्होंने जब राज्याभिषेक हो गया तो जब वो नीचे आए तो अपने घर में से, ये रायगढ़ पूरब में है, तो सुबह में जब वो दर्शन करने के लिए उठी तो सूर्य को और रायगढ़ को नमस्कार करके सोच रही है कि आज राष्ट्र निर्माण हो गया, मेरी मकसद पूरी हो गई, मेरा जो स्वराज्य का सपना था वो आज पूरा हो गया। तो शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व अगर हम देखें तो एक बड़ा डिफिकल्ट व्यक्तित्व है, और सबसे बड़ी बात यह थी बड़ा कठिन समय था वो जिसमें उन्होंने एक तरीके से बड़ी जंग लड़ी और पूरा जो हम हिंदवी स्वराज की स्थापना की। यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हैं, किस किस तरह की चीजें? स्वराज्य होने के बाद वो मैप बता रहे हैं और अभी हमें जो परकीय लोग जो परकीय पीछे से अच्छी आएगी है। हाँ सर, तो इसमें क्या दिखाया आपने? इसमें हम बताना चाहते हैं कि वो अभी वो जो बाहर गांव से सब शत्रु आए हैं
उन्हें हम इसके अभी यहाँ से निकालना चाहिए और ये मातृभूमि स्वराज्य के रूप में हम डेवलप यानी जीतना चाहिए। वो अभी मैप पे से वो सोच रहे हैं सिंधु नदी से कावेरी तक हमारा राज्य हमें निर्माण करना है। सर एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस पेंटिंग के अंदर जो है ये क्या हाथ में क्या है? हाथ में तो ऐसे ही विष्णु की मूर्ति है, वो विष्णु जगत देवता जैसे है, जग पे कंट्रोल करने वाला। बाबा साहब पुरंदरे ने ये काफ़ी पहले के डॉक्यूमेंट्स में है और इसीलिए हम विष्णु की मूर्ति सकते हैं कि तमाम वो चीज़